यहाँ से एयरक्राफ्ट भी जाते हैं 16 सीटर, नेपालगंज से सिमिकोट, सिमिकोट से नेपालगंज, मतलब ये नेपाल के सिमिकोट का हवाई अड्डा भी है और हेलीपैड भी है। यहाँ से यात्री मानसरोवर यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। सामने पहाड़ी है, बर्फ़ है, ठंडा वातावरण है। तो सामने जो काउंटर है जहाँ पासपोर्ट की एंट्री की जा रही है, एंट्री की आने के बाद मानसरोवर के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। सामने पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ है, शानदार नज़ारा है। लड़का तो टूर बना रहे तो वो तो कुछ नहीं, तो मैं तो यहाँ का दृश्य पूरा कैमरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है। सामने यहाँ का हेलीपैड का स्टाफ है, इस समय मैं सिमिकोट की शुद्ध और ताज़ा हवा का आनंद ले रहा हूँ। शुद्ध हवा और ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रही है। लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है पर मुझे यहाँ महसूस नहीं हुई। सामने पासपोर्ट की एंट्री की जा रही है और एंट्री होने के बाद नेपालगंज से हेलीकॉप्टर आने के बाद यहाँ पर उतरा जाता है। नेपालगंज से फ्लाइट द्वारा सिमिकोट आने के बाद हिल से हेलीकॉप्टर मिलता है, फिर यहाँ एंट्री होती है, फिर हिलसा के लिए प्रस्थान करते हैं, फिर हिलसा के बाद रात को हिसाब रखना पड़ता है। सुबह चाइना की फॉर्मेलिटी पूरी होती है, उस फॉर्मेलिटी को पूरी होने के बाद हमें चाइना के क्षेत्र में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से हमारी मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। इस वीडियो के द्वारा हमने पूर्ण रूप से सिमिकोट एयरपोर्ट का विहंगम दृश्य देखने का प्रयास किया है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे कैमरे के द्वारा यहाँ का संपूर्ण वातावरण का चित्र लिया जाए, यहाँ के दृश्य, यहाँ के मकान। आज धूप तेज है, मौसम साफ है, आज सुबह से कोई भी वाहन रद्द नहीं किया जाता है। आज कुदरत से मौसम अच्छा है, इधर दो दो तीन तीन रोज यहाँ पर बिगड़ जाते हैं, यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी हम सुबह प्रातः हिलसा से प्रस्थान करके यहाँ पर उतरे हैं, अब 16 सीटर विमान के द्वारा नेपालगंज जाएंगे। हम हमारे फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम आज की तारीख 4 जून 2017 को ही निकल जाएंगे, क्योंकि मौसम खराब होने का अभी फिलहाल कोई आचरण नजर नहीं आ रहा है। मैं महेश शर्मा, जयपुर, और ये हमारे राजस्थान के जोधपुर के हैं, जुगल राठी इनका नाम है। ये मानसरोवर यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, अपनी फॉर्मेलिटी का इंतजार कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब हेलीकॉप्टर में बैठ करके हिलसा जाएंगे, फिर हिलसा के लिए मानसरोवर प्रस्थान करेंगे यात्रा के लिए। यहाँ से आप आज हिलसा जाएंगे, हिलसा में आपको वहाँ पर नेपाली लोग जो सर्विस करते हैं, शेरपा भी कहते हैं, अपने यहाँ कुली कहते हैं उनको, वो आपको मिलेंगे, वो आपको हिलसा में रुकाएंगे होटल में। खाने पीने की कोई कमी नहीं है वहाँ पर, लेकिन ठहरने के कमरे साधारण से भी साधारण, मतलब मैं ये कह सकता हूँ घटिया प्रकार के हैं। वहाँ पर आपको तख्ते नुमा बेड मिलेगा, उस पर आपको सोना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वहाँ पानी के लिए नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। हिलसा में आप अपना हाथ मुँह धोकर के काम चला जाएंगे। पानी यदि आप मांगेंगे तो बहुत महंगा है, 100 रुपये की आप एक बाल्टी लेंगे, और वहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक भी पीएंगे तो 100 रुपये लेंगे। जहाँ आपके रुकने की व्यवस्था है वहाँ पर चाय, खाना, ब्रेकफास्ट आपके निःशुल्क है, और आप उस परिसर को छोड़कर जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना।
एयरपोर्ट है, अंदर का सीन है। अब हम हमारी यात्रा पूर्ण करके नेपालगंज एयरपोर्ट पर आ गए हैं। महेश शर्मा, जय हिंद। कामेशिता एयरलाइन का विमान खड़ा हुआ है। इस विमान के द्वारा हम सिबीकोट से अभी फिलहाल नेपालगंज उतरे हैं। सामने का दृश्य है जो बड़ा हरियाली का दृश्य है, अच्छा लग रहा है, मधुरम दृश्य है। वो डिपार्चर है, वो अराइवल में जाएंगे और अराइवल गेट से बाहर निकल जाएंगे।